एक्सप्लोर करने के लिए थी, लेकिन आप यहाँ आए तो कुछ फ़ायदा नहीं आने का। तो तरफ वाला इलाका जो है बिल्कुल ग्रीन हुआ हुआ है, तो एक निशानी भी है। करता हूँ आपका यांबो नखल डैम से। पीछे आप देख रहे हैं मेरे यांबो नखल डैम है। मैंने कोशिश की अंदर जाने की लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो ये पीछे स्ट्रक्चर और उसके पीछे मेरे ख्याल से पता नहीं वाटर है कि नहीं, तो काफ़ी ग्रीन वाला इलाका है ये, और माउंटेन वगैरह काफ़ी यहाँ पे ग्रीन हो गए हैं, तो मैं जाके दिखा नहीं पाया, उसके लिए माजरा चाहता हूँ आपसे। फ़िलहाल अच्छी जगह है, शान जगह है, और एक्सप्लोर करने के लिए थी, लेकिन आप यहाँ आए तो कुछ फ़ायदा नहीं आने का। तो अगर यांबो नखल डैम आना चाहें तो आप बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते और एक्सप्लोर नहीं कर सकते पीछे का जो इलाका है, लेकिन उन्होंने डैम स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, ठीक है, कुछ बड़ा ही अच्छा खासा बड़ा है। तो ये डैम है दोस्तों यांबो नखल का, कि सऊदी अरब में डैम भी है, मुझे ये देखने को मिला। तो फ़िलहाल अब चलते हैं यहाँ से वापस और एक्सप्लोर कर दिया हमने एरिया को। तो ये पीछे हमारे माउंटेन है और पीछे हमारी ये नखल है। दोस्तों स्वागत है आपका एक अनजान सी जगह पर यांबो में। पीछे आप मुझे देखेंगे, ये पीछे दूर तक घास के मैदान हैं और काफ़ी ग्रीनरी है। जब मैं आप मुझे दूर तक देखना चाहें तो ये देखें आप, ये पूरी की पूरी जो जगह है पूरी ग्रीन है, और पहाड़ भी जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे इस तरफ वाला इलाका जो है बिल्कुल ग्रीन हुआ हुआ है। तो एक निशानी भी है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब जो है वो ग्रीन हो जाएगा, तो वाकई में ग्रीन हो रहा है। और इधर पीछे जब जाएंगे इस रोड की तरफ तो आपको यांबो डैम मिल जाएगा, और इलाका काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, काफ़ी बेहतरीन इलाका है। और धूप भी ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक चश्मा रख लेते हैं, तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। काफ़ी सुकून भरा इलाका है। आप लोग उधर जाएंगे ना दूर इधर आके इस तरफ, तो लोग वहाँ पर आके पिकनिक मनाते हैं, कैंपेन करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लाजवाब जगह है जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो अच्छी जगह है आने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ग्रीनरीज तो वाकई देख करके दिल खुश हो गया, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं पीछे कितने ज़्यादा ग्रीनरी है। तो सारा का सारा इलाका ये जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो यही है दोस्तों अपडेट, सोचा कि आपको बता देते हैं। तो चलिए और दिखाते हैं आपको, एक्सप्लोर कराते हैं। ग्रीनरी एरिया लगा मुझे और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, इस एरिया को एक्सप्लोर करके, इस एरिया को एक्सप्लोर करके और इस एरिया को एंजॉय करके। तो आप आएँ और देखिए कितनी खूबसूरत वादी है यहाँ पे। पिकनिक स्पॉट तो बहुत लाजवाब है, ये आप देखें हवा कितनी अच्छी चल रही है, घास की जो पौधे हैं ये निकल आए हैं यहाँ पर, देखें आप तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी जगह है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप आएँ, मैं लोकेशन में डाल दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, लोकेशन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस सीन को, इस व्यू को आप भी एक्सप्लोर करें। ये मौसम काफ़ी अच्छा है इस सीन को और इसको एक्सप्लोर करने के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जब आप आएंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा और इस बेहतरीन व्यू को आप इंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अभी अच्छा माहौल बना हुआ है और धूप भी तकरीबन ज़्यादा नहीं है, तो ये मौसम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक्सप्लोर कीजिए और कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए इस बेहतरीन नज़ारे को, इस बेहतरीन वैली को जाम्बो नखल के पास है। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, तो मैं ये आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आप भी इस वीडियो के थ्रू इस सऊदी अरबिया के इस रीजन को, मदीना रीजन को एक्सप्लोर करेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। सो दोस्तों अब मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कोई दूसरी जगह आपको एक्सप्लोर कराऊँगा। होपफुली मैं हो सकता है उमलुज जाऊँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जब मैं उमलुज जाऊँ तो आपको उमलुज के बारे में भी एक्सप्लोर कराऊँ और उसको बताऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर, ओके टेक केयर बाय।